गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक टॉप लेकर आए हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कोई टॉप बनाना बताएं, तो हमने ऑफ वाइट कलर लिया है। तो टोटल हमारी जो ऊन है 450 ग्राम ऊन होगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें कितनी ऊन लगेगी। तो इसके लिए हमने 9 नंबर का क्रोशा हुक लिया है और बहुत प्यारा सा टॉप बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। यस, लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसको कम से कम 1000 लाइक तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी पहुँचा सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। हमने यहाँ पर 112 चेन बनाई है। साइज़ हम आपको बता दें तो ये मीडियम साइज़ है, ठीक है। तो ये एम साइज़ है। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आप जो है 3.5 mm का क्रोशा हुक लें और चेन 112 ही डाल लेंगे, ठीक है। छोटे साइज़ के लिए आप 11 नंबर का क्रोशा हुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम वीडियो में आपको बता देंगे अगर आपके पास 3.5 mm का हुक नहीं है तो कैसे बड़ा साइज़ बनाना है, ठीक है। आप 112 चेन ही डालें, 9 नंबर के क्रोशा से ही स्टार्ट करें और आगे हम आपको बता देंगे। अच्छा, चेन आपको टाइट नहीं लेनी है, ढीली ढीली लेनी है और इसको इस तरीके से सीधा पकड़ के लाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, फर्स्ट वाली चेन में डालकर और इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको ज्वाइन करना है, देखिए। ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पर 3-4 चेन ले लिए, ठीक है। अब एक बार बल लेकर सेम इसी जगह डालेंगे और पहले एक फंदा निकाला, फिर ये दो निकाले, फिर ये दो निकाले, तो एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गई है। वापस इसी जगह डालेंगे और देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। सेम चेन में डालना है, पहले एक फंदा निकालना है, सिर्फ थोड़ा फंदा लंबा हो जाएगा, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें एक चेन बनानी है और वापस इसी जगह फिर से हम बल लेकर डालेंगे। पहले एक फंदा निकाला, फिर दो, एक हो गया, दो, और ये 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉर्नर हमारा बन गया है। यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने कॉर्नर बना लिया है इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉर्नर के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बल लेकर पहले एक चेन ले ली और बल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर 3 चेन छोड़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में देखिए 1 2 और ये फिर से इसी जगह डालेंगे 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, वापस इसी जगह 3 बार बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम चेन नहीं लेंगे, इस तरीके से 1 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाले में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से हम बल लेकर और स्टार्ट करेंगे, चौथी चेन में डालना है। तो बल ले लिया हमने, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे चौथी चेन में, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, 3 चेन लेके फिर से 3 डबल क्रोशिया, अब फिर से 1 2 3, 3 चेन छोड़ेंगे चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, फिर से हम इसी तरीके से बनाएंगे। अभी हमारे पास 2 डिज़ाइन हैं, टोटल 4 डिज़ाइन बनाएंगे। तो 1 2 3
चार, चार के बाद अब हम कॉर्नर बनाएंगे अपना दूसरा, जैसा ये वाला बनाया था वैसा बनाना है। तो सबसे पहले एक चेन लेनी है और हमें तीन चेन छोड़ना है। देखिए एक दो तीन, तीन चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में डालकर पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब एक चेन लेके वापस इसी जगह तीन बार बनाएंगे। यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देंगे, दो कॉर्नर हमारे बन गए हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ये बना है और दूसरा इस हमने चार डिज़ाइन के बाद बनाया, तो दो कॉर्नर हो गए। अब फिर से हमें कॉर्नर के बाद एक चेन लेनी है, कॉर्नर से पहले भी एक चेन लेनी है। ठीक है, अब फिर से तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में तीन डबल क्रोशिया। तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब फिर से तीन चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में इसको ज्वाइन करेंगे। एक दो तीन, चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। फिर से एक दो तीन छोड़ेंगे, चौथी चेन में पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन, एक दो तीन, वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया। फिर से ये तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। तो अब हम तीन बार डिज़ाइन बनाएंगे, एक दो बन गई हैं, एक और बनाएंगे। ठीक है, तीन डिज़ाइन के बाद दिखाएंगे आपको। तो हमने यहाँ पर एक दो तीन, तीन डिज़ाइन बना ली हैं। अब फिर से हम अपना तीसरा कॉर्नर बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला ना, कॉर्नर से पहले हमें एक चेन लेनी है। तो एक चेन लेकर बल ले लिया, एक दो तीन चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब एक चेन और तीन डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देंगे तो तीन कॉर्नर हमारे बन गए हैं। फिर से कॉर्नर के बाद हमें एक चेन लेनी है और अपना आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो एक चेन लेकर और तीन चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में डालकर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, एक बार हो गया और अब हम एक दो तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। फिर से तीन चेन छोड़ के चौथी चेन में हम फिर से बनाएंगे, एक दो तीन छोड़ेंगे चौथी वाली चेन में। देखिए पहले तीन डबल क्रोशिया, और अब बनाएंगे एक दो तीन, तीन चेन लेके फिर तीन डबल क्रोशिया। ठीक है,
तो ये दो बार डिज़ाइन हो गया, टोटल चार बार हमें बनाना है। डिज़ाइन के बाद तीन चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चार बार डिज़ाइन बनाएंगे हम, जैसे अभी दो डिज़ाइन बनी है, चार बार बनाने के बाद अपना हम लास्ट कॉर्नर बनाएंगे। तो ये हमने चार डिज़ाइन बना ली हैं, देखिए एक दो तीन चार। अब हम यहाँ पर हमने कॉर्नर बना लिया अपना, लास्ट कॉर्नर बना के यहाँ भी सेफ्टी पिन लगा देंगे और अब फिर से हम तीन डिज़ाइन बनाएंगे। तो आगे और पीछे हमने चार चार डिज़ाइन रखी हैं और बाजू पर तीन तीन डिज़ाइन रखी हैं, ठीक है। तो ये चार कॉर्नर हो गया, फिर से एक चेन लेकर और फिर एक दो तीन छोड़ेंगे, चौथी चेन में तीन डबल क्रोशिया। एक दो तीन चेन लेके फिर तीन डबल क्रोशिया। फिर ये तीन चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे। तो पूरा बना के दिखा रहे हैं, देखिए एक दो तीन, ठीक है। तीन हमने छोड़ के फिर एक चेन ले ली, तीन डिज़ाइन बना के फिर यहाँ पर एक दो तीन छोड़ेंगे और यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। पहले हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पर चार कॉर्नर बनाए हैं और एक दो, देखिए ये कॉर्नर है हमारा, उसके बाद हमने ये कॉर्नर एक दो तीन चार, चार डिज़ाइन आगे रखी है हमने और यहाँ पर दूसरा कॉर्नर बना लिया, फिर एक दो तीन डिज़ाइन बाजू पर रखी हैं, फिर अपना तीसरा कॉर्नर बना लिया, फिर एक दो तीन चार डिज़ाइन पीछे के साइड रखी हैं, फिर अपना चौथा कॉर्नर बना लिया, फिर एक दो तीन डिज़ाइन बाजू पर रखी है। अब आप इसको स्क्रीन शॉट ले लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इतना बना के आप कोई भी साइज बना सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अब हम अपनी अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो सेकंड वाला फंदा है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है। और एक दो चेन लेकर तीन चेन ले ली हमने, ठीक है। तीन चेन लेने के बाद बल लेकर इसके पास वाला फंदा है फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, पहले एक फंदा निकालेंगे फिर दो फिर ये दो। तो अभी दो फंदे हो गए हमारे पास, ठीक है। जैसा मैं बना रही हूँ सेम आप देख के बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तीसरा हमें बीच में बनाना है यहाँ पर इस तरीके से, तीन डबल क्रोशिया के बाद एक दो तीन के बाद एक चेन लेनी है और फिर हम एक इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। एक डबल क्रोशिया हो गई, दूसरी हम इसको उठा के बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट किसे कहते हैं, देखिए इस तरीके से फंदा उठाना है आगे की साइड से और इसको बनाना है, इसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट के साइड से आगे के साइड से इस तरीके से क्रोशिया डालना है और इसको इस तरीके से बनाना है। तो कॉर्नर पर हमारा इसी तरीके से चलेगा, देखिए पहले तीन डबल क्रोशिया बनाई हैं, फिर एक चेन लेके फिर तीन बनाई हैं, साइड से एक एक हमने छोड़ा है, देखिए तीन हो गई फिर एक चेन एक दो तीन, साइड से एक एक फंदा हमने छोड़ दिया और जो फंदा साइड से हमने छोड़ा है वो बीच में बढ़ाया है, ठीक है। अब एक चेन लेकर डिज़ाइन देखिए कैसे बनाना है हमें, कॉर्नर के बाद एक चेन लेनी है, कॉर्नर के बाद हमें कॉर्नर बना लिया, उसके बाद एक चेन लेकर, एक चेन जरूर लेनी है इस बात का ध्यान रखें, बल लेकर और ये डिज़ाइन का पहला फंदा उठाएंगे हम और पहले एक फंदा निकालेंगे फिर दो निकालेंगे और लास्ट में दो रह गए हमारे पास क्रोशिया में, ठीक है। फिर बल लेके बीच वाला फंदा छोड़ेंगे, लास्ट वाला उठाएंगे इस तरीके से, पहले एक फंदा निकाला फिर दो, अभी तीन फंदे आपको क्रोशिया में दिख रहे हैं, तीनों एक साथ निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन लेकर इसको बीच में ले जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से तीन चेन बनाएंगे हम, एक दो
तीन, तीन चेन लेकर बल लेकर पहला फंदा उठाएंगे और इसको पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर ये दो और लास्ट वाला रहने दिया। तो अभी क्रोशिया में दो फंदे आपको दिख रहे हैं, बल लेकर बीज वाला छोड़ेंगे, लास्ट वाला उठाएंगे, इसको पहले एक फंदा निकाला फिर ये दो। तो अभी तीन फंदे आपको दिख रहे हैं क्रोशिया में। अब हमें अपनी अगली डिज़ाइन पर लेके जाना है, तो बल लेकर दूसरे वाली डिज़ाइन पर आएंगे और फर्स्ट वाला फंदा उठाएंगे, इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे। देखिए चार फंदे हो गए, फिर से बल लेके बीच बीच वाला छोड़ेंगे, लास्ट वाला उठाएंगे, पहले एक फंदा फिर दो। अभी क्रोशिया में पांच फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँचों को एक साथ निकालना है, ठीक है। एक साथ निकालने के बाद एक दो तीन, तीन चेन लेके बीच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से तीन चेन, एक दो तीन, बल लेकर पहला फंदा उठाएंगे, लास्ट वाला रहने दिया। ये दो फंदे हो गए क्रोशिया में, अब बीच वाला छोड़ेंगे और लास्ट वाला उठाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देख के बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए तीन फंदे हो गए क्रोशिया में। अब हम दूसरी डिज़ाइन पर जाएंगे और इसमें भी पहला वाला फंदा उठाएंगे। देखिए चार फंदे दिख रहे हैं आपको, अब बीच वाला फंदा छोड़कर इसको छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे, तो ये पांच फंदे हो जाएंगे। अब पांच का एक करना है हमें, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे और एक दो तीन, तीन चेन लेके इसको बीच में हम ज्वाइन करेंगे। तीन चेन लेकर इसमें बीच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, ठीक है। ऐसे ही सारे फंदे हम बनाएंगे। देखिए पहले पहला फंदा बनाएंगे, ये देखिए एक दो फंदे दिख रहे हैं, बीच वाला छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे। तीन फंदे हो गए, अब इस डिज़ाइन पर बनाएंगे। चार फंदे हो गए, फिर से बल लेकर अब बीच वाला फंदा छोड़ेंगे, इसको बनाएंगे। पांच फंदों को एक साथ बांधेंगे, तीन चेन लेकर इसको बीच में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, फिर से तीन चेन, अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये देखिए दो फंदे हो गए, ठीक है। अब फिर से एक छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पर ये देखिए तीन फंदे हैं, तीनों को एक साथ बांध दिया, क्योंकि अब कॉर्नर हमारा आ गया। जब कॉर्नर हमारा आ जाएगा तो तीन फंदों को हम एक साथ बांधेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब एक चेन लेकर और कॉर्नर वाला जो फंदा है, पहला फंदा छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सेकंड वाले को उठाएंगे और पहले एक फंदा निकाला, दो निकाले, फिर ये दो निकाल दिए, ठीक है, एक हो गया। अब सेकंड वाला उठाएंगे, इसको इसको बनाएंगे। देखिए ये दो फंदे हो गए, अब तीसरा बीच में बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक चेन लेकर वापस इसी जगह एक बनाएंगे हम, दूसरा हम इसको उठाएंगे, तीसरा इसे उठाएंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा हमने छोड़ा है, ठीक है। अब एक चेन ले ली, अब ये देखिए बल लेकर पहला फंदा उठाएंगे,
दो फंदे दिख रहे हैं, अब बीच वाला उठाएंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है। तो ये तीन फंदे हैं, इसको एक साथ निकालना है, कॉर्नर के पास वाले तीन फंदे एक साथ बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद तीन चेन लेके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर तीन चेन, आप देखिए पांच पांच फंदे इकट्ठे करेंगे। पांच फंदे हो गए, सबको बना दिया। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है, कॉर्नर के पास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। और जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा है, बट ये बहुत प्यारी डिज़ाइन है, फूल फूल बनकर आएंगे, बहुत प्यारा। ये देखिए पूरी रो बना ली है हमने और बहुत प्यारा डिज़ाइन बनकर आएगा। आप देखिए लास्ट में एक चेन लेकर इसको ज्वाइन करेंगे हम, एक चेन लेकर और यहाँ पर इसको डालकर स्लिप स्टिच किया, और सेकंड वाला फंदा है अपना उसमें एक बार इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, और अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, ठीक है। दो चेन दो तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद फिर से हमें बल लेना है, और एक फंदा बन गया हमारा, दूसरा हम इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तीसरा बीच में बना लिया, अब एक चेन लेके फिर हम बीच में बनाएंगे। दूसरा इसे बनाएंगे और तीसरा इसके पास वाला बीच इसको बनाएंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा हमने छोड़ना है, ये तीन हो गए, एक चेन और तीन, ठीक है। दोनों साइड से एक एक फंदा छोड़ गया। अब फिर एक चेन लेकर, अब देखिए बल लेकर, अब हम जैसे हमने पहली रो बनाई थी ना, फर्स्ट रो वैसी बनानी है हमें। तो यहाँ पर हम डालेंगे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, सॉरी तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन और वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से, तो पहला डिज़ाइन हमारा यहाँ बन गया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, पहला डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पर बीच में जो आपको एक छोटा सा सिंगल क्रोशिया दिख रहा है, इसमें डालकर इसको सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करना है, बल लेकर अब दूसरा डिज़ाइन बनेगा यहाँ पर। तीन डबल क्रोशिया हो गया, तीन चेन, एक दो तीन, वापस तीन डबल क्रोशिया। ये दो डिजाइन हो गए, एक दो। अब फिर से हम इसको बीच में यहां पर आपको सिंगल क्रोशिया दिख रहा है, यहां पर ज्वाइन करेंगे, अब यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर एक दो तीन, वापस तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये तीन डिज़ाइन बन गई हमारी, ठीक है। अब चौथी डिज़ाइन हमारी यहाँ पर बनेगी,
फिर देखिए हम आपको दिखा दें। देखिए हमने स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 चार डिज़ाइन बनाई थी, बट अब हमारे पास 5 बनेंगी। देखिए स्टार्टिंग में 4 डिज़ाइन बनाई थी हमने, अब हमारे पास एक डिज़ाइन यहाँ बन गया, 2, 3, 4 और 5वां डिज़ाइन हमारा बनेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे और 5वां डिज़ाइन हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिज़ाइन हमारे बन गए। पहले 4 थे, अब 5 बन गए। अब फिर से एक चेन लेके कॉर्नर बनाएंगे हम, तो बल लेकर पहला फंदा छोड़ेंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा हमें छोड़ना है। ठीक है, पहला फंदा छोड़ेंगे, दूसरा फंदा उठाएंगे, इसको बनाएंगे। अब ये दूसरे वाले फंदे को बनाएंगे, इसको एक बीच में बनाएंगे यहाँ पर, तीन फंदे हो गए। अब एक चेन लेके फिर से एक बीच में बनाएंगे, दूसरा इसको उठा के बनाएंगे और तीसरा इसे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 कॉर्नर पर हमारा ऐसे ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए एक एक फंदा दोनों साइड से छोड़ना है हमें और बीच में बढ़ा लेना है। ठीक है, अब एक चेन लेकर बल लेकर, अब देखिए एक डिज़ाइन हमारा यहाँ बनेगा पहला डिज़ाइन, दूसरा यहाँ, इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, दूसरा यहाँ बनेगा यहाँ ज्वाइन करेंगे, तीसरा यहाँ बनेगा यहाँ ज्वाइन करेंगे, चौथा यहाँ बनेगा। ठीक है, पहले राउंड में हमने 3 बनाए थे यहाँ पर, अब 4 बन जाएंगे। देखिए तो पूरी रो बना के दिखाते हैं, देखिए पूरी रो बन गई हमारी। अब एक चेन लेकर इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, अपनी चौथी रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन बना ली, बल लेकर इसको एक काउंट करेंगे, इसको उठाएंगे तो ये 2 हो जाएंगी और 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चेन बनानी है और वापस इसके अंदर एक बनाएंगे। दूसरा इसे उठा के बनाएंगे और तीसरा इसको बना लिया। ठीक है, तो कॉर्नर पर ऐसे ही बनाना है, दोनों साइड से एक एक फंदा छोड़ना है, बस ऐसे ही रिपीट करना है। और कॉर्नर के बाद और कॉर्नर से पहले एक चेन जरूर लेनी है। ये देखिए अब बल लेकर अब हम इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे, तो पहला फंदा उठाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे। तो अभी क्रोशा में आपको 2 फंदे दिख रहे हैं, फिर से बल लेकर बीच वाला इसको छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे, 3 फंदों को एक साथ बनाएंगे, कॉर्नर के पास वाले 3 फंदे एक साथ बनाएंगे इस तरीके से। अब 1, 2, 3 चेन लेकर बीच में इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से 3 चेन, इसको उठाएंगे,
इस तरीके से बनाया है, दो फंदे दिख रहे हैं, ठीक है। बल लेकर इसको छोड़ेंगे, इसको बनाएंगे। फंदे हो गए, अब अपनी अगली डिज़ाइन पर लेकर जाएंगे और पहला फंदा उठाएंगे। चार फंदे हो गए, अब फिर एक फंदा छोड़ के इसको उठाएंगे। पांचों फंदों को हम एक साथ इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। एक दो तीन, तीन चेन लेकर इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे एक दो तीन, तीन चेन लेके बल लेकर इसको उठाएंगे। पांचों फंदों को एक साथ बना दिया, फिर एक दो तीन चेन लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने फूल को बांधना है, पूरी रो ऐसे ही बनानी है, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। कॉर्नर पर कोई चेंज नहीं है, कॉर्नर पर सेम तरीके से बनाना है। कॉर्नर से पहले जो आपको दिखेगा ना फंदे, उसमें आपको तीन फंदे एक साथ बनाने हैं। देखिए ये देखिए, दो फंदे हो गए और ये तीन, तीनों को एक साथ बांधेंगे और एक चेन लेकर कॉर्नर के फंदे बनाएंगे। तो इसमें देखिए पहला फंदा हम छोड़ेंगे, देखिए एक इधर से फंदा छोड़ेंगे इस साइड से और सेकंड वाला उठाएंगे, इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके पास वाला फंदा उठा के इसको डबल क्रोशिया बनाया, दो हो गई, और तीसरे हम बनाएंगे बीच में यहाँ पर। फिर एक चेन लेकर और फिर से एक बीच में बनाएंगे यहाँ पर, एक इसको उठाएंगे, दो और इसको उठाएंगे, तीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉर्नर बनाना है। पूरी रो बनाने के बाद अब आगे आपको दिखाएंगे। तो इस रो को इस तरीके से इन दोनों को बांधेंगे, इन दोनों को बांधेंगे, फिर इन दोनों को बांधेंगे और इसको अकेले बांधना है, फिर कॉर्नर बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से पूरी रो बन जाएगी हमारी। अगली रो में हमारी डिज़ाइन बनना शुरू होगी। तो देखिए कॉर्नर के बाद एक डिज़ाइन हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइन करेंगे हम, दूसरा डिज़ाइन यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ बनेगा और छठा यहाँ। तो हमने पहले राउंड में चार डिज़ाइन बनाई थी, एक दो तीन चार। सेकेंड रो में हमारे पास एक दो तीन चार पांच डिज़ाइन हो गई। अब हमारे पास इसके अगले रो में छह डिज़ाइन हो जाएंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, फिर उसके अगले रो में सात डिज़ाइन हो जाएंगी, फिर आठ। इस तरीके से एक रो में डिज़ाइन बढ़ेगा, एक रो में हमारी ऐसी वाली चलेगी। इन्हीं दो रो को फॉलो करते हुए हम कुछ रो बना लेंगे, लाइक 13-14 रो बना लेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने इसी को फॉलो करते हुए 13 रो बना ली हैं टोटल। तो इतना हमारा बन गया है। अब हम पार्ट टू में हमने
इसको ज्वाइन करना बताया है, और आगे का वीडियो आपको पार्ट टू में मिलेगा। तो पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट हमने पिन कर रखा है वहाँ पर देखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल को ओपन करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को एंड में लेकर जाएं और वहाँ भी मिल जाएगा। तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बाय। और हाँ, अगर आपने ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मेरे पास लास्ट में 10 डिज़ाइन बन गई हैं। 4 डिज़ाइन से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 10 डिज़ाइन बन जाएंगी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं पर्सनली। और अगर आपने मेरा नया वाला चैनल माही किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम रेसिपी डालते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं रेसिपी देखना तो उसको सब्सक्राइब करें। और पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय।